हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे। आज मैं पल्सटिला के बारे में बात करूँगी, इस दवा का क्या क्या सिम्टम्स हैं। आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आगे का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं पल्सटिला रोगी बहुत ही नर्म नाजुक दिल के होते हैं, सबको प्यार करने वाले होते हैं। यह दवा खासकर उन महिलाओं को दी जाती है जो भूरे गोलमोल और गुलाबी बच्चों को विशेषकर मदद करती है। पल्सटिला रोगी की सभी तकलीफें खुली हवा में कम हो जाती है। गर्म कपड़े में वो अधिक मेहनत से शरीर गर्म हो जाने पर बढ़ जाती है। रोगी को गर्मी बहुत लगती है, इसीलिए ठंडे मौसम में भी वह हल्के पतले कपड़े ही पहनता है। इस दवा के साथ पेट और पाचन की कमजोरी और मानसिक धर्म की भी हेल्प मिलती है, जरूरी बनी रहती है। लक्षण लगातार बदलते रहते हैं, जैसे दर्द अपनी जगह बदलते रहता है। पल्सटिला रोगी के सिर के केवल एक ही तरफ दर्द होता है। बहुत सी तकलीफें शरीर के एक ही तरफ होती है। पल्सटिला का रोगी औरों पर निर्भर रहता है, दूसरों को खुश करने की उत्सुक उसमें रहती है, उदास भी रहता है। मायूसी यानी प्रमुख लक्षण है इसके। मानसिक धर्म के पहले और दौरान सिर दर्द बना रहता है, चेहरे और सिर के एक तरफ पसीना आता है। जब रोगी को हाई फीवर हो जाता है तो बाकी के लक्षण को आराम मिल जाता है। छाती से बलगम आता है, गाढ़ा हरा और पीला बलगम निकलता है, ब्रोंकाइटिस या निमोनिया हो जाता है। रात में देर से नींद आती है, सवेरे देर तक गहरी नींद में सोते रहता है, पीठ के बल हाथों को सिर के ऊपर रखकर सोता है। आराम देने के कारण खुली हवा, गति, ठंडी चीज़ें लगना, ठंडा खाना और ठंडे पानी पीना, जबकि प्यास भी नहीं होती है, ये पल्सटिला के लक्षण हैं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।